स्वागत है आप सभी का डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज के डेट में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 44 लाख लाभार्थियों का हाउस सेंसन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें यहां पर दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है वो की गई है और पूरी डिटेल्स भी निकल कर आई है। तो दोस्तों डिटेल्स मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन से लाभुकों का जो हाउस है वो सेंसन किया जाएगा और सेंसन करने के बाद लाभार्थियों के खाते में जो पहली किस्त के लिए एफटीओ है उसे भी जनरेट की जाएगी। तो साथियों पूरी डिटेल बताऊंगा वीडियो में। आज के डेट में बहुत बड़ी यहां पर खुशखबरी आई है 44 लाख पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोज हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक लाभार्थी है जिनका मैंने यहां पर बेनिफिशियरी प्रोफाइल को अपने मोबाइल के अंदर ओपन करके रखा हुआ है, जिसका मैंने हाउस स्टेटस में आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो हाउस स्टेटस है वो फाउंडेशन लेवल है। लेकिन दोस्तों जो नए लाभार्थी है जिनका हाउस सेंसन नहीं हो रहा था और इसका उनका जो हाउस स्टेटस है दोस्तों वो बहुत दिनों से प्रपोज साइट दोस्तों एक्सिस्टिंग साइट के बाद जो जियो टैगिंग होती है उसके बाद लाभार्थी का हाउस स्टेटस प्रपोज साइट हो जाता है। तो दोस्तों उनका भी हाउस स्टेटस जो है प्रपोज साइट में अटका हुआ है काफी दिनों से और जिसके वजह से लाभार्थियों को जो पहली किस्त की राशि है वो नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, ऐसे 44 लाख लाभार्थियों का आज के डेट से जो हाउस स्टेटस है उसे सेंसन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी जो आपको हाउस स्टेटस फाउंडेशन लेवल देखने को मिल रहा होगा, यहां पर आपको हाउस स्टेटस जो है सेंसन देखने को मिलेगा और जैसे ही सेंसन होगा तो लाभार्थियों के बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से एफटीओ बनाई जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं जो एफटीओ डिटेल्स और ऑर्डर शीट डिटेल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लाभार्थियों का जो एफटीओ अमाउंट है और ऑर्डर शीट अमाउंट है वो भी यहां पर शो की जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से लाभार्थियों के प्रोफाइल के अंतर्गत एफटीओ बनेंगे और उसके बाद लाभार्थियों के खाते में जो पेमेंट है वो भी रिसीव हो जाएगी। यहां पर आप पेमेंट डेट भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके भी प्रोफाइल के अंतर्गत पेमेंट डेट भी यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 44 लाख लाभुकों के लिए, जिनमें सभी लाभुकों का जो बेनिफिशियरी प्रोफाइल के अंतर्गत जो हाउस स्टेटस है सबसे पहले उसे तो सेंसन किया जाएगा और सेंसन होने के बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। आज के डेट में यह घोषणा हुई है, कल के डेट से सभी लाभार्थियों का जो हाउस है उसे सेंसन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन कौन से स्टेट के अंतर्गत ज्यादातर जो लाभार्थियों का हाउस सेंसन होगा दोस्तों वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंतर्गत, बाकी बिहार राज्य के अंतर्गत भी कुछ लाभार्थियों का हाउस सेंसन होगा, असम में भी सेंसन होंगे और बाकी सारे स्टेट के अंतर्गत कुछ लाभार्थियों का हाउस सेंसन होगा। लेकिन दोस्तों जो मेन तौर पर हाउस सेंसन होंगे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अंतर्गत होंगे। तो दोस्तों अगर आप इन राज्यों से संबंधित है तो दोस्तों आपका भी हाउस जल्द ही सेंसन हो जाएगा। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के और भी सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।